Namaskar, adab, sat sri akal, hi, hello, vadakkam, kasakai, kemcho, sat sri akal, copy to all. Swagat hai, swagat hai, swagat hai, aap sabka prerna ki is anokhi duniya mein. Aaj main baat karne wali hoon ek aise ehsaas ke baare mein jo ना उम्र की सीमा देखता है और हम सब कभी ना कभी इसको महसूस जरूर करते हैं. तो ज्यादा समय ना लेते हुए प्रस्तुत करती हूँ आज मैं अपनी दादी माँ के पिटारे में से एक और नई कहानी. तो आइए शुरू करते हैं. दूर एक गांव था. उस गांव में एक लड़का रहता था. उसको बहुत डर लगता था और इसी वजह से उसको उसके दादाजी डरपोक बुलाते थे. डरपोक ये कर दे, डरपोक इधर ले आ, डरपोक ये ला दे. एक दिन वो लड़का गुस्से में बोला, क्या दादाजी, जब देखो मुझे डरपोक 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 करके बोलते रहते हो. दादाजी ने कहा, क्यों ना बोलूं, तुझे डर जो इतना लगता है, डरपोक को डरपोक नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा. हाँ लगता है मुझे डर, लगता है तो क्या करूं मैं. कुछ नहीं, गुस्सा मत हो और काम कर जाके अपना. डरपोक को बहुत गुस्सा आया उस दिन. उसने सोचा, जब देखो ताने मारते रहते हैं, अब मैं भी दिखा दूंगा इन सबको, डर के ऊपर जीत लेकर आऊंगा. मैं भी जीतूंगा, मुझे नहीं बनना डरपोक. आज रात को जब ये सारे सो जाएंगे ना, चला जाऊंगा मैं और तभी आऊंगा जब मैं इस डर के ऊपर पूरी तरह से जीत हासिल कर लूंगा. तब बताऊंगा इन्हें डरपोक. उसने ऐसे कहा, सामान बांधा और रात का इंतजार करने लगा. जैसे जैसे रात गहराती गई उसको डर लगने लगा, पर उसने अपनी पोटली बांधी और निकल पड़ा. इस समय तो हल्की हल्की सुबह की किरणें दिखनी शुरू हो गई थी, तो उसको इतना डर नहीं लग रहा था. पर जैसे जैसे वो अपने गांव से दूर जाता रहा और फिर से रात का सन्नाटा गहराया, तो उसने आसपास देखा कि रात गहरा रही है, कोई नहीं है. और उसने उस काली स्याह रात के आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं नहीं डरता तुमसे, नहीं डरता, कर लो जितनी कोशिश करनी है, मैं नहीं डरूंगा. और ऐसा कहकर उसने अपना कंबल बिछाया और उसी जंगल में सो गया. लेटे लेटे आसमान को देखते हुए लगातार अपने मन में, मैं जानता हूं तुम यही हो, पर मैं तुमसे डरता नहीं, मैं नहीं डरता, यही सोचते हुए वो सो गया. तभी जंगल में भेड़िए की आवाज आने लगी. उसकी आंख खुल गई. कोई नहीं, डरा लो जितना डराना है, मैं नहीं डरता, मैं बहादुर हूं, मैं बहादुर हूं. यही कहते हुए वो स्याह रात को आंख में आंख डाल के देखता रहा और बोलता रहा. और धीरे धीरे वो काली स्याही रात हल्के प्रकाश के साथ रात कालेपन को धुंधलाती हुई सूरज की रोशनी से चमक गई. वो उठा और उसको अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने पहला दिन पहली रात अपने डर पे काबू कर एक छोटी सी विजय हासिल कर ली थी. इसी दृढ़ता के साथ वो आगे बढ़ता रहा. तभी उसे एक गांव दिखा.
उस गांव के लोगों को देखकर वो फिर डर गया। अगर ये लोग अनजान लोगों के साथ में बदतमीजी करें तो, इन्होंने मुझे कुछ कर दिया तो मेरा क्या होगा? तभी उसके अंदर से आवाज आई, तू डरपोक है क्या? क्या तू डरता है? तभी उसने अपनी आवाज को कहा, नहीं, मैं यही डर तो खत्म करना है। तो अंदर की आवाज ने कहा, तो जाना, किसके इंतजार कर रहा है? और वो मजबूत कदमों के साथ उस गांव की तरफ चल पड़ा। चलते चलते जैसे उन लोगों के करीब आया, उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? उसने तुरंत कहा, मैं निडर हूं। निडर? मैं डर पे जीतने आया हूं। वो सारे हंसने लगे। तुम गलत जगह पर आए हो, यहां पे हम सब खुद इतने डरे हुए हैं, तुम क्या डर पे जीत हासिल करोगे? डरे हुए हो आप सब? वो बड़ा अचंभित हुआ, इतने हट्टे कट्टे बड़े लोग ये क्यों डरे हुए हैं? तो वहां के एक बुजुर्ग ने बताया, बेटा ये पहाड़ की तरफ देख रहे हो, उस पहाड़ पे एक भयंकर दैत्य है, वो हम सबको खा जाना चाहता है, देखो देखो। और तभी डरपोक ने उस पहाड़ की तरफ जब अपनी आंखें गड़ाई तो उसे वहां कुछ नहीं दिखा, पर इन लोगों की बातों को गलत न साबित करने की सोच के साथ वो सर हां में हिलाता रहा। वो लोग बोल रहे थे, देखो दिख रही है ना तुम्हें उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें, उसका शरीर तो मगरमच्छ जैसा है, उसका मुंह तो हिप्पोपोटामस जैसा है, उसके नथनों में से तो ड्रैगन जैसे आग भभक रही है। डरपोक को ये कुछ नहीं दिख रहा था, पर जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग उसे ये बोलने लगे, उसको लगा हाँ ये तो है। तभी उसने संकल्प किया, मैं आप सबको बचाऊंगा, मैं इस दैत्य को मारूंगा और आप सबका जीवन बचाऊंगा। सारे बुजुर्ग बोलने लगे, नहीं बेटा नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। गांव की महिलाएं आई बाहर, उन्होंने उसे रोका, उनका कोई बात नहीं, हमें खाने को नहीं मिलता ना सही, हमारे पशु पक्षी जंगल में ऐसे ही घूम रहे हैं ना सही, हम ये सब सहन कर लेंगे पर तुम्हारी मौत नहीं, नहीं हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। डरपोक ने कहा, मैं यही तो करने आया हूं, मुझे डर पर जीत हासिल करनी है, मत रोकिए मुझे। और ये कहकर वो एक दृढ़ता के साथ उस पहाड़ पर चढ़ने लगा। चढ़ते 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 जैसे जैसे वो मंजिल के करीब जा रहा था, उसे वो दैत्य दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी आंखें मली, क्या मेरी आंखें मेरे साथ धोखा कर रही हैं? ये दैत्य कहां गया? जब वो आधे रास्ते पहुंचा, उसने अपने पोटली में से चाकू निकाला। भाई अपने आप को बचाने के लिए, दैत्य पे वार करने के लिए कुछ तो अस्त्र शस्त्र लेकर चलने थे ना। और वो जैसे ही अपनी मंजिल की ओर पहुंचने लगा, वो वहां पे जाके क्या देखता है कि वहां तो जगह खाली है। उसने चाकू हाथ में लिया और तुरंत पीछे की तरफ घूमा, बच्चू पीछे से वार करेगा मुझ पे। इसी सोच के साथ में वो पीछे घूमा, दाएं देखा बाएं देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। पर ये क्या, उसके पैरों के पास में ये छोटा सा अजीब सा घिचकिचा सी त्वचा वाला ये क्या है? ये तो छोटा सा मेंढक है, इसकी बड़ी बड़ी लाल डरावनी आंखें कहां गई? इसके वो नथुने जिनमें से आग धधक रही थी वो कहां गए? खैर उसने उस मेंढक को उठाया और नीचे की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो नीचे पहुंचा,
तालियां, शोर, इन सब की गड़गड़ाहट के बीच में गांव वालों ने उसे गले से लगा लिया। बहादुर, 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 कि कितना वीर बच्चा है, कहाँ है वो दैत्य? बेटा तुम सलामत हो, कितनी अच्छी बात है, एक औरत बोली। अरे वाह, अरे वाह, ये लड़का तो कितना बहादुर है, इसने हमको बचा लिया, हमारे पशु पक्षी सबको बचा लिया, दूसरी बोली। इन सब शोर के बीच में गांव का मुखिया बोला, अरे रुको रुको, शांत हो, वो पहले से पूछो कि वो दैत्य कहाँ है। डरपोक, जो कि अब डरपोक नहीं था, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मरियल सा, छोटा सा, गिचकिचा सा, जब उनको मेंढक दिखाई दिया, उन सब ने पूछा, ए तेरा नाम क्या है? वो मेंढक बोला, डर। कैसी लगी ये कहानी, बताइएगा जरूर। ये मेरी बहुत ही प्रिय कहानी है, क्योंकि ये सच है। डर सिर्फ तब तक बड़ा होता है जब तक हम उसको बड़ा होने देते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं जिम नहीं जा सकता, नहीं 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 नहीं, बहुत मुश्किल है, मैं वजन नहीं घटा सकता, अरे केक पेस्ट्री तो मेरे फेवरेट है, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं अपने सारे सच अगर लोगों को बता दूंगा तो वो मेरा मखौल उड़ाएंगे, मैं कैसे बोल दूं उसे कि वो मुझे पसंद नहीं है, ये डर, वो डर, नौकरी छूटने का डर, बच्चों से प्यार ना मिलने का डर, बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इस चीज का डर, समाज क्या सोचेगा, ये वो सब कुछ। और इसी डर की वजह से हम अपनी जिंदगी नहीं जी पाते, है ना? सोचिएगा, और अगर मैं गलत हूं तो भी बताइएगा, नहीं तो हर बार की तरह अपने विचार व्यक्त करने से चूकिएगा नहीं। और याद रखिएगा, इश्क योरसेल्फ।